अभी एक दो सब्जेक्ट का हो गया है, कुछ रह गया है तो मैं बनवाऊंगी इसे, कुछ बैल हैंगिंग वगैरह कुछ बनानी है। तो अभी फ़िलहाल मुझे बनाने हैं अरवी के पत्ते। अरवी के पत्ते मैंने लिए थे कल, लेकिन कल थी मावस तो मैं बना नहीं पाई, तो वो थोड़े से देर से हो गए हैं ढीले से। तो मैं आज उन्हीं को बनाऊंगी, पहली बार ट्राई करूंगी मैं। चलिए उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये क्या कर रही है। ये मैंने जो अरवी के पत्ते लिए थे ना, तो उसकी डंडियाँ आई हैं उसी से। मैंने इसे बोला भी है कि इससे खुजली हो जाएगी, लेकिन नहीं, अरे होने दो पहले कह रही है मुझे, मतलब हॉलीडे होमवर्क करवा दूँ मेरा। मैं कह रही हूँ पहले मैं अपनी सब्जी बना लूँ उसके बाद करवाऊँगी। तो ये पागल हो गई है, देखो क्या करने जा रही है, चारों तरफ फैला रखी उसी की डंडियाँ। चलिए अब मैं चलती हूँ रसोई में और अंशु को देखते हैं क्या कर रहा है। ये देखिए ये काम है इसके स्कूल का, पता नहीं कौन सा है। चलिए अब हम चलते हैं रसोई में, पहली बार ट्राई कर रहे हैं बनाने की, कोशिश करते हैं अच्छी बने। चलिए अब ये मैंने ले ली सील प्याज बड़ी बड़ी, ये तरह से काट ली है और इसमें डाल दूँगी मैं चार हरी मिर्च और इसे मैं डालूँगी मिक्सी के जार। अब इनको मैं पीस लूँगी। ये देखिए मैंने प्याज पीस ली और इसमें हरी मिर्च डाली थी, इसकी वजह से थोड़ा रंग वैसा हो रहा है। ये मैंने इसमें पलट लिया टिफिन में, अब ये इसमें डाल दूंगी मैं बेसन। ये देखिए ये इसमें मैंने मसाले यूज करे हैं, ये देखिए ये गरम मसाला, ये है हींग, देखिए मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने सब मिक्स कर लिया है इस तरह से, देखिए देखिए मैंने पत्ता ये धो के तैयार कर लिए थे, इस पर मैं लगाते हुए ये जो मैंने अभी बनाया है बेसन और प्याज में। देखिए गाइस पहली बार बना रही हूँ, और मैंने ये पत्ते भी कर लिए थे ना, तो इस वजह से थोड़े से मुरझा भी गए हैं ये। ये देखिए इसे मैंने फोल्ड करूँगी ये इधर से, कि इससे मसाला ना निकले, ये दोनों तरफ से ऐसे ऐसे कर दूँगी। ये देखिए ये देखिए मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी, और जब भी फोल्ड करूँगी तो इसके ऊपर ये देखिए ऊपर की परत आ जाएगी, तो इस पर मैं हल्का सा ये बेसन और ये लगा लिया करूँगी। ये देखिए इसी तरह से मैं दूसरे पे लगाऊंगी ये बेसन, ये देखिए। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी एक और पत्ता इस तरह से, ये देखिए।
ये मैंने फोल्ड कर लिया इसे। ये देखिए मैंने चार रोल बनाए हैं, तो ये चार बना लिए हैं और बाकी ये बचा है मेरा ये मसाला, ये जब मैं फ्राई करूँगी तब काम आएगा। अभी इन्हें मुझे उबालना है, तो चलिए अब उबालते हैं इनको। ये मैंने गैस ऑन कर दी, इस पर कढ़ाई, ये स्टैंड लगा दिया है। कढ़ाई में मेरे है ना वो था, मतलब कल पूड़ी बनी थी ना उसका रिफाइंड था, तो इस वजह से आपको ये चिकनापन दिख रहा होगा। तो इसमें मैं ये इस तरह से रखूँगी कि नीचे ना गिरेंगी। देखिए पानी मैंने कम ही लिया है कि इसके ऊपर तक ना आए, अब ऊपर आ जाएगा तो मसाले में मसाला सारा पानी में मिक्स हो जाएगा। ये देखिए ये मैं रख दूँगी, ये देखिए ये देखिए ये मैंने रख दिए हैं। अब इसको मैं ऐसे ढक दूँगी कि ये भाप में उबल जाएगी। ये देखिए जब तक मेरे पत्ते वो उबल रहे हैं, ये मेरे बर्तन हैं, तब तक मैं इन बर्तनों को साफ़ करती हूँ। चलिए मिलते हैं बर्तन साफ़ करने के बाद। ये देखिए अब ये 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं ये हटा रही हूँ, देखती हूँ पानी भी जल गया है। अब मैंने चेक करती हूँ हुए नहीं। ये देखिए ये माचिस की चुल्ली कितनी आसानी से जा रही है। देखिए अभी हमारे पक चुके हैं, अब मैंने निकाल दिए। ये मैंने ले ली एक छोटी कढ़ाई, उसमें डाल दूँगी ऑयल, थोड़ा ज़्यादा देर आएगा। ऑयल हो रहा है, ये ठंडी हो गई थी, ये मैंने काट ली हूँ। देखिए ये कम बने क्योंकि मैंने 250 ग्राम में पत्ते लिए थे, और इसमें हल्का सा जीरा। अब जो हमारा ये पेस्ट बच गया था, ये देखिए ये इसमें डाल के मैं फ्राई कर लूँगी। देखिए जो मसाला था वो भून चुका है, कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये कटे हुए पत्ते जो बनाए थे, और मैं ये भून लूँगी। मैं पहली बार बनाया गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बनाए मैंने थोड़े ही, अगर बेकार जाएंगे तो इसमें पैसे वेस्ट नहीं होंगे, इस वजह से। लेकिन ये सही बन चुकी है, मेरी तरफ से तो सही बनी। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना। ये मैंने देखिए अच्छे से भून दिए हैं, ये देखिए इनका कलर आपको दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है इससे देखो मसाला भी करारा सा हो गया। ये देखिए मैंने इसमें पत्ता धनिया वाला पत्ता होता है ना, हरे वाला पत्ता, पत्ता धनिया जो भी है गर्मी की वजह से वो भी डाल दिया। अब ये पकौड़े ये तैयार हो गए। ये देखिए ये मेरे तैयार हो गए पकोड़े तैयार हुए। बच्चे कहने लगे हमें मैक्रोनी खानी है, तो मैंने दूसरी साइड कुकर में मैक्रोनी रख दी, मैक्रोनी बन रही है, पकोड़े मेरे तैयार हो गए। अब देखिए अभी मैंने बर्तन मांगे थे, फिर से बर्तन ये बर्तन फिर मस्ती हुए, मिलती हूँ अभी बर्तन मांगने के बाद।
देखिए दिशा ही अपने बर्तनों से खेल रही है, वो अरबी के पत्तों की डंडी ले ली है, वो बना रही है। देखो अब ये अंशु खा के बताएगा कैसे हैं। मैंने अच्छे से भून के करारे कर दिए ये। अंशु कैसे हैं? अच्छा, और दिशा बताएगी? दिशा इसे मंचूरियन जैसे लग रहे हैं। चलिए अब खेलो। अभी डंडी कब तक बनेंगी तेरी? बन गई है, कोई खा ही नहीं रहा। बना तो सही, काट के पानी में रख दी। चलिए अब ये पकोड़े खाने के बाद मिलते हैं आप। देखिए गाइस, अंशु ने बनवाए थे अपने लिए ये मैक्रोनी और पास्ता, ये अपने ये खा रहे हैं। और जो मैंने वो अरबी के पकोड़े जो बनाए थे, ज़्यादा नहीं थे तो थोड़े 250 ग्राम पत्ते लिए थे, वो दिशा को इतने पसंद आए कि दिशा ने वो सारे खा लिए। कह रही थी वो मंचूरियन लग रहे मुझे, वो सारे दिशा ने खा लिए हैं। अब गई है दिशा पहले अपने पेट भरने के बाद भगवान जी को भोग लगाने। अंशु ये खा रहा है। तो गाइस, अगर आपको पकौड़े सही लगे हों तो आप भी एक बार ट्राई करके देखना। मैंने तो पहली बार ट्राई करे थे और अच्छे बने हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो में अपने ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए चलते हैं, बाय।